हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने ये चैप्टर पढ़ा था। इसमें नेल्सन मंडेला के फ्रीडम के लिए स्ट्रगल के बारे में बताया गया है ना। एक इनॉग्रेशन में नेशनल मंडेला ने अपने फ्रीडम के लिए, जो उनको स्ट्रगल करना पड़ा था अपने देश की फ्रीडम के लिए, उसके बारे में थोड़ा बताया है। तो हमने इस स्पीच का कुछ अंश पिछली क्लास में पढ़ा था, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज इन अवे एज अ स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स कैरियर्स रोयर्ड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। कुछ क्षण बाद वी ऑल लिफ्टेड, हम सभी अपनी आंखें उठाकर देखेंगे अवे, अवे यानी एडमायरेशन, एडमायरेशन करते हो मतलब प्रशंसा भरी दृष्टि से देखेंगे। एज अ स्पेक्टेकुलर एरे, स्पेक्टेकुलर एरे यानी स्पेक्टेकुलर माने होता है भव्य, और एरे यानी श्रृंखला में, एक भव्य श्रृंखला में हम लोग प्रशंसा भरी दृष्टि से देखेंगे। क्या देखेंगे? ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स, है ना। अफ्रीकन के, साउथ अफ्रीका के जेट, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स को रोयर्ड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, इनको दहाड़ते हुए परफेक्ट फॉर्मेशन में यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से जाते हुए देखेंगे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पेन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, ये सिर्फ एकमात्र अ डिस्प्ले, डिस्प्ले यानी प्रदर्शन, ये सिर्फ एकमात्र एक प्रदर्शन नहीं, ये सिर्फ एकमात्र प्रदर्शन नहीं ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, प्रिसीजन माने होता है एक्यूरेसी, ओके, एक्यूरेसी ही शुद्धता, ठीक है। ये सिर्फ एकमात्र मिलिट्री फोर्स की शुद्धता का ही प्रदर्शन नहीं है, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, लेकिन एक प्रदर्शन है, डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन, लेकिन एक प्रदर्शन है किसका? मिलिट्री लॉयल्टी, मिलिट्री की वफादारी का टू डेमोक्रेसी, जो कि डेमोक्रेसी के प्रति है, टू ए न्यू गवर्नमेंट, जिसमें नई गवर्नमेंट है, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, और जो नई गवर्नमेंट है वो कैसी है? फ्रीली, स्वतंत्र और अच्छे से इलेक्टेड होकर, फेयरली इलेक्टेड होकर आई है। ओनली मूमेंट्स बिफोर हाइएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट बिडेक्ट विद रिबन एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गोन बाय सैल्यूटेड मी एंड प्लेज देयर लॉयल्टी। और कुछ क्षणों पहले ही जो सबसे ऊंचे जो जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीका के जनरल थे, और डिफेंस के थे रक्षा विभाग के, है ना, डिफेंस फोर्स के जो पुलिसकर्मी थे, देयर चेस्ट बेडेक्ट, उनकी जो छाती थी वो बेडेक्ट, बेडेक्ट यानी डेकोरेटेड, है ना, सजी हुई, उनकी छाती सजी हुई थी किससे? रिबन्स एंड मेडल्स, उनकी छाती रिबन्स से और मेडल से सजी हुई थी। फ्रॉम डेज गोन बाय, क्योंकि बीते कुछ दिनों में उन्होंने ऐसा काम किया था, है ना, जिससे उनकी छाती पर मेडल सजाने का, मेडल उनकी छाती पर सुशोभित हुए मेडल्स, रिबन्स, ओके, सैल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, उन्होंने मेरे को सैल्यूट किया एंड प्लेस्ड, और प्रतिज्ञा की अपनी वफादारी की। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, अब देखो यहाँ पर भी नॉट है और यहाँ पर भी अन है, है ना, अनमाइंडफुल है, तो दोनों नेगेटिव सेंस में है, तो इसको आप पॉजिटिव सेंस में ऐसे भी कह सकते हो, आई वॉज अवेयरफुल, ओके, आई वॉज अवेयर कि आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, कि मतलब ये नहीं कि मैं इस बारे में ध्यान नहीं था मुझे, मैं अवेयर था इस बारे में, ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स, कि अभी ज़्यादा साल नहीं बीते, बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड मी, कि वो मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, बट अरेस्टेड मी, लेकिन उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया होता। फाइनली अ चेवरॉन
ऑफ इम्पाला जेट्स अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। और अंत में चेवरोन, चेवरोन देखो यहाँ पर दिया गया अ पैटर्न इन द शेप ऑफ वी, इस टाइप से देखो जैसे ये इस टाइप से हो, है ना, इस टाइप से एरोप्लेन्स वी की शेप में, ओके इस टाइप से वी की शेप में एरोप्लेन्स उड़ रहे हैं और पीछे से धुआं छोड़ रहे हैं, ओके। तो फाइनली अंत में अ चेवरोन ऑफ इम्पाला जेट्स, इम्पाला जेट्स के ये थे फिर अ स्मोक ट्रेल्स, ये धुआं छोड़ रहे थे, स्मोक ट्रेल मतलब ज़्यादा देर तक वो जो धुआं रहता था उसे, और कैसे रंगों का छोड़ रहे थे, ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड, इन रंगों का ये धुआं छोड़ रहे थे ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, और धुआं छोड़कर ये न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग अफ्रीका का फ्लैग बना रहे थे। जैसे आपने 15 अगस्त या 26 जनवरी में देखा होगा जब भारत में, जब ये 26 जनवरी पे परेड दिखाई जाती है तो जो भारत में भी हेलीकॉप्टर्स ये जो जेट्स वगैरह ये धुआं छोड़ते हुए भारत का तिरंगा झंडा बनाते हैं, बहुत बार देखा होगा शायद आपने, है ना। तो उसी टाइप से ये जो ये वी शेप में जाकर और ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड, गोल्डन रंग का धुआं छोड़कर छोड़ते हुए साउथ अफ्रीका का फ्लैग बना रहे थे। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर नेशनल एंथम एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग कोसी सिक्लेल अफ्रीकन एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम। वो दिन वो सिम्बोलाइज्ड प्रतीकात्मक रूप से था मेरे लिए क्योंकि उस दिन दो नेशनल एंथम गाए गए थे एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, और जो वाइट जो गोरे लोग थे उनका क्या नेशनल एंथम एंथम था, कोसी सिक्लेल, है ना, ये उनका नेशनल एंथम था, एंड ब्लैक सिंगिंग और जो काले लोग थे उनका डाई स्टेम करके नेशनल एंथम था, एंड द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, और ये पुराना एंथम था गणतंत्र का। ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप नी द लिरिक ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, और जो दोनों ही जो ग्रुप्स थे ब्लैक ब्लैक और वाइट वाले जो दोनों ही ग्रुप्स थे वो दोनों ही एक दूसरे के लिरिक्स एंथम के लिरिक्स को नहीं जानते थे, क्योंकि क्यों नहीं और नहीं जानते थे क्यों, क्योंकि वो कभी एक दूसरे से नफरत किया करते थे, डिस्पाइज्ड यानी नफरत, ओके। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, वो जल्दी ही इसको अपने हृदय से जान लेंगे। ऑन द वे ऑफ द इनोग्रेशन, इनोग्रेशन के दिन आई वॉज ओवरवेलम्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इमोशनल हुआ गया था विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, मतलब इतिहास की कुछ बातों को याद करते हुए मैं इमोशनल हो गया था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो वॉर वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ, द वाइट स्किन पीपल, एक फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर, ये देखो यहाँ पर ये कहा गया है कि कुछ सालों बाद ये जो एंग्लो बोअर वॉर हुआ था उसमें मेरे बर्थ से भी पहले, मेरे जन्म से भी पहले, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के जो गोरे लोग थे, पैचअप, उन्होंने अपना पैचअप कर लिया, मतलब सेटअप कर लिया देयर डिफरेंसेस, उनके अंदर जो वाइट जो गोरे लोग थे उनके अंदर जो किसी भी प्रकार का आपस में भेदभाव था वो उन्होंने पैचअप कर लिया, एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया ऑफ रेशियल डोमिनेशन, यानी कि जातीय प्रभुत्व का एक ऐसा सिस्टम उन्होंने खड़ा कर दिया अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, जो कि काले लोगों के विरोध में था, ऑफ देयर ओन लैंड, अपनी ही भूमि पर।
ठीक है, उन्होंने मतलब जो गोरे लोग थे उनके जो आपस के जो भी डिफरेंसेस थे वो उन्होंने पैचअप कर लिए, सुलझा लिए, और उन्होंने आपस में एकजुट होकर जो वहाँ के काले लोग थे उनके खिलाफ अपना सिस्टम तैयार कर लिया अपनी ही भूमि पर। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन, और जो इन्होंने अब ये स्ट्रक्चर बना लिया था वन ऑफ द बेसिक ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, ये जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया था ये बहुत ही ज़्यादा कष्टप्रद और इनह्यूमेन अमानवीय तरीके का था। सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जो कि हमारा समाज, इस संसार का समाज जान चुका है ना। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th century, अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8th decade, और मेरे 8th decade में, यानी कि देखो उनकी जो नेल्सन मंडेला की एज थी 70 to 79 के लग ऑलमोस्ट थी, है ना, तो ये 80 का दशक हो गया ना। एंड माई ओन 8th decade, और मेरे 80 के दशक में एज ए मैन, दैट सिस्टम हैड बीन, ये जो सिस्टम है ओवरटर्न्ड फॉर एवर, मतलब मेरे जो 80 के दशक में ये वाला सिस्टम ओवरटर्न बदल गया है, किस में बदल गया है, फॉर एवर, सदा के लिए, ये वाला सिस्टम सदा के लिए बदल गया है, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट एंड फ्रीडम फॉर ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, सदा के लिए बदल गया है, और ये किस में स्थापित हो गया है, वन दैट रिकॉग्नाइज, जो कि जाना जाएगा दैट राइट्स के अधिकार और स्वतंत्रता ऑफ ऑल पीपल, कि सभी लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता जानी जाए, और रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी स्किन के कलर की परवाह किए बिना, रिगार्डलेस यानी परवाह किए बिना, मतलब इसका ये हुआ कि अब जो व्यवस्था आई है उसमें वो, इसमें पहले तो उन्होंने कहा है नेल्सन मंडेला ने कि मेरे बर्थ से पहले तो वो वॉर हुआ था, उसके बाद जो गोरे लोग थे उन्होंने आपस में डिफरेंसेस मिटा के और काले लोगों के विरोध में एक बड़ा एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा किया जो कि काले लोगों को के साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार करता था। लेकिन अब ये सिस्टम बदल कर एक ऐसा सिस्टम बना है जिसने सदा के लिए एक ऐसे सिस्टम को बना दिया है कि सारे लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता का ध्यान रखा जाएगा बिना उनके कलर की परवाह किए बिना, है ना, एक ऐसा सिस्टम बनेगा जिसमें लोगों के कलर की परवाह किए बिना सभी की आज़ादी और अधिकारों का ध्यान रखा जाएगा। ओके, दैट दे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माय पीपल, और ये दिन जो आया है थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइस, अकल्पनीय बलिदानों से आया है, और वो किसका था, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माय पीपल, हमारे देश के हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों के कारण ये दिन आया है। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, ऐसे लोगों के बलिदान अकल्पनीय बलिदानों से आया है जिन्होंने पीड़ा भोगी और साहस है और उनकी जो पीड़ा है वो कभी भी ना तो काउंट की जा सकती है और ना ही रिपेड, ना ही वो कभी चुकाई जा सकती है। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, और ये आज महसूस करता हूँ मैं कई ऐसे दिनों को, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, कि मुझे ये महसूस होता है कि द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट, कि मैं ये जो दिन आया है वो द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट है ना, ऐसा लगता है बहुत सारे अफ्रीकन देशभक्तों के सम के रूप में
मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, है ना। मतलब बहुत सारे उन्होंने ये कहा है कि इसका मतलब ये नहीं कि जो दक्षिणी अफ्रीका को जो फ्रीडम मिली है वो सिर्फ मेरे कारण मिली है, ऐसा नहीं है। उन्होंने तो हजारों हजारों जो देशभक्तों के का जो बलिदान हुआ है, ऐसा लगता है उन सबके बलिदान के बाद, क्योंकि फिर बाद में मैं उन सबके बलिदानों के सम के रूप में, यानी कि जैसे अगर हम 2+2 करें तो फिर वो 4 आता है, तो वो 4 क्या है, उनका एडिशन है। इसी प्रकार उन्होंने कहा जो काफ़ी सारे बलिदान आए, ऐसा लगता है कि उनका उनका जो एडिशन हो, उनका जो जोड़ करके जो सम आंसर आया है वो मैं हूँ। दैट आई वॉज हु हैड गोन बिफोर मी, जो कि मुझसे पहले चले गए। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगिन अगेन विद मी, और जो लंबी और ये जो नोबल लाइन है एंडेड, ख़त्म हो गई। मतलब क्या ख़त्म हो गई, बलिदानी की लाइन, है ना, बलिदान वाली रेखा तो अब ख़त्म हो गई। खूब सारे देशभक्तों ने जो बलिदान दिया था वो रेखा तो अब ख़त्म हो गई। एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, और अब नई रेखा शुरू हुई है, वो किससे हुई है, मुझसे शुरू हुई है ना। क्यों, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका अब आज़ाद हो गया है, और अब जो लीडरशिप शुरू हुई है वो मुझसे शुरू हुई है ना। तो अब ये जो लाइन बिगेन हुई है वो मुझसे शुरू हुई है। आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मैं बहुत ही पीड़ित हूँ, मतलब मुझे बहुत ही पीड़ा हो रही है ये सोचते हुए कि आई वॉज नॉट एबल, कि मैं इस योग्य नहीं, कि मतलब मैं उन लोगों का धन्यवाद नहीं कर सकता। एंड देन दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइस हैड रोड, और वो ये देख नहीं सकते, वो ये देखने के योग्य नहीं है। मतलब क्योंकि अब सब वही बलिदान में अपने अपनी लाइफ को खो चुके हैं, तो वो अब ये देख नहीं सकते कि उनके जो सेक्रीफाइजेज हैं वो उन्होंने क्या अचीव किया है। रोड माने अचीव, प्राप्त करना है ना, तो उनके बलिदानों ने क्या प्राप्त किया है वो ये देख नहीं सकते, ये सोचकर मैं दुखी हूँ। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माय कंट्री एंड माय पीपल, और जो ये पॉलिसी है किसकी, अपार्थाइड की, यानी भेदभाव की जो पॉलिसी है, क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग, इसने एक गहरा और लास्टिंग यानी लंबे समय तक रहने वाला घाव दिया है मेरे देश को एंड माय पीपल, और मेरे देश के लोगों को, है ना। इसने ये जो भेदभाव की नीति चली है, इसने बहुत ही गहरा और लंबे समय तक रहने वाला घाव मेरा देश और मेरे लोगों को दिया है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सभी कई साल बिता देंगे इफ नॉट जनरेशन, बल्कि जनरेशंस बीत जाएंगी रिकवरिंग दैट फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, किस में रिकवरिंग करने में, क्योंकि ये जो गहरा और लंबे समय तक रहने वाला घाव दिया है इसको रिकवर होने में जनरेशंस बीत जाएंगी फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, जो कि हमारा प्रोफाउंड यानी डीप, जो कि हमें गहरा घाव मिला है उसको रिकवर होने में साल ही नहीं बल्कि जनरेशंस लग जाएंगी। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटेलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, लेकिन दशक जो है ऑपरेशन एंड ब्रूटेलिटी, है ना, जो ऑपरेशन यानी दमन और ब्रूटेलिटी यानी क्रूरता, लेकिन दशकों से ये जो दमन और क्रूरता चली है अनइंटेंडेड, इसने बिना इरादे के ही, है ना, बिना इरादे के ही इफेक्ट, देखो अनइंटेंडेड इफेक्ट, इसका बिना इरादे के ही इफेक्ट पड़ा है, मतलब एक और इसका इफेक्ट पड़ा है जिसके बारे में सोचा ही नहीं जा सकता था। दैट वॉज दैट ये था, इट प्रोड्यूस्ड, कि इससे पैदा हुए द ओलिवर तैम्बूस, वॉल्टर सिसुलुस, चीफ लुथुलिस, द यूसुफ दादूस एंड ब्रैम फिशर्स एंड रॉबर्ट सोबुक्विस ऑफ आवर टाइम, ये इतने बड़े बड़े नेता
इज सिर्फ ब्रूटैलिटी और ऑपरेशन, यानी दमन और क्रूरता जब बहुत ज़्यादा हुई तो इससे एक ऐसी चीज़ प्रोड्यूस हुई, ऐसी चीज़ों, ऐसे लोगों का, ऐसे महान महान देशभक्त लोगों का जन्म हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अब देखो यहाँ पर जैसे ये है द ओलिवर तैमूस, है ना, आगे द लगा हुआ है और पीछे एस लगा हुआ है, इसका मतलब ओलिवर तैम्बू एक व्यक्ति के लिए नहीं आया, ये पूरी ओलिवर तैम्बू जैसे कई कई महान देशभक्तों के लिए आया है ना। ओके, यहाँ पीछे एस लगा हुआ है, इसका मतलब एक पूरी ग्रुप के लिए आया है ये वर्ड। जैसे अगर हम ये कहें कि द तेंदुलकर्स, इसका मतलब ये नहीं होगा सचिन तेंदुलकर के लिए कहा जा रहा है, नहीं, इसका मतलब ये होगा कि हम सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेटर्स को के बारे में कह रहे हैं, है ना। तो यहाँ इन सब के आगे द है और पीछे एस है, इसका मतलब ये है इन जैसे देशभक्तों को, देशभक्तों ने जन्म लिया। मैन और सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और ऐसे असाधारण, करेज, है ना, ऐसा असाधारण करेज यानी साहस, विजडम, बुद्धिमत्ता एंड जेनरोसिटी और उदारता, ऐसे साहस बुद्धिमत्ता और उदारता जो थी, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, कि ये दोबारा कभी वापस ऐसे लोग पैदा नहीं हो सकते। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर्स, शायद इनके लिए ज़रूरत ही थी डेप्थ ऑफ ऑपरेशन यानी कि दमन की गहराइयों की, शायद इन जो इतने बड़े बड़े देशभक्त पैदा हुए हैं इनके लिए दमन की गहराइयों की आवश्यकता थी, टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर्स, कि इतने ऊंचे ऊंचे चरित्र वाले लोग पैदा हों, इसके लिए दमन की गहराइयों की आवश्यकता थी, है ना। मतलब अगर इतनी ज़्यादा क्रूरता नहीं की जाती, इतना ज़्यादा दमन नहीं होता, तो शायद ऐसे महान देशभक्त भी पैदा ही नहीं होते। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स, मेरा जो देश है वो भरपूर है, उसमें क्या भरपूर है, मिनरल्स एंड जेम्स, उसमें मिनरल्स, खनिज और जेम्स यानी रत्नों की भरपूर बहुतायत है, दैट लाई बीनीथ इट्स सोइल, जो कि इसकी मिट्टी के नीचे ही है, बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं हमेशा से ये जानता हूँ दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, कि इसकी जो महान संपत्ति है वो इसके लोग हैं, फाइनर एंड ट्रूअर, सच्चे और अच्छे लोग, देन द प्यूरेस्ट डायमंड, जो कि प्यूरेस्ट डायमंड, शुद्ध डायमंड से भी ज़्यादा ग्रेट हैं, ज़्यादा बड़ी संपत्ति है। ओके, इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स कहते हैं साथियों को, है ना, ये मेरे उन साथियों से इन द स्ट्रगल, संघर्ष में, दैट आई लर्न, मैंने सीखा द मीनिंग ऑफ करेज, है ना, अपने साथियों से उस संघर्ष के दौरान मैंने सीखा मीनिंग ऑफ करेज, साहस का मतलब। टाइम एंड अगेन, समय और दोबारा, आई हैव सीन मैन एंड वूमेन, मैंने देखा व्यक्ति, आदमियों को, औरतों को रिस्क एंड गिव देयर लाइफ्स फॉर एन आइडिया, कि वो अपना जीवन में रिस्क उठा रहे थे और अपना जीवन दे रहे थे फॉर एन आइडिया, एक विचार के लिए, और वो विचार क्या था, आज़ादी का विचार, है ना, और ये कि हमें इस ब्रूटैलिटी से, इस ऑपरेशन से मुक्ति मिले। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रिसाइलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, और मैंने देखा लोगों को जो खड़े थे टू अटैक एंड टॉर्चर, जो
मैंने ऐसे लोगों को देखा खड़े होते हुए जो कि प्रहार और टॉर्चर के सामने भी खड़े थे, मतलब खड़े रहे विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए, मतलब बिना टस से मस हुए, बिना वो अपने उन अटैक्स पे, उन टॉर्चर्स के सामने खड़े रहे, शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रिसाइलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। और उन्होंने एक ऐसी शक्ति दिखाई, ऐसी रिसाइलेंस यानी लड़ने की क्षमता, ऐसी लड़ने की क्षमता दिखाई जो कि कल्पना से भी परे है, इमेजिनेशन से भी परे है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने ये सीखा कि जो साहस है वो भय की अनुपस्थिति को साहस नहीं कहते, बट द ट्रिम्फ ओवर इट, लेकिन भय के ऊपर विजय प्राप्त कर लेने को साहस कहते हैं, ट्रिम्फ यानी विजय। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। ब्रेव मैन वो नहीं होता जो कि डर महसूस नहीं करे, बट ही हु कॉन्क्यूर्स दैट फियर, लेकिन वो होता है जो कि फियर के ऊपर, भय के ऊपर जीत प्राप्त कर ले। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। कोई भी व्यक्ति हेट करता हुआ यानी नफरत, किसी दूसरे व्यक्ति से नफरत करता हुआ, नफरत साथ लेकर पैदा नहीं होता है ना, नफरत पैदा होते ही कोई थोड़ी करने लग जाता है। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, ऑफ हिज बैकग्राउंड, ऑफ फॉर हिज रिलीजन, कि वो किसी भी एक व्यक्ति किसी से भी जन्म से ही स्किन के कलर्स, कलर के कारण या बैकग्राउंड के कलर के बैकग्राउंड के कारण और धर्म के कारण, रिलीजन माने धर्म है ना, के कारण किसी के साथ भी नफरत नहीं करता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोगों को तो नफरत करना सिखाया जाता है ना, जैसे कि आज भी कई लोग ऐसे कहते हैं नहीं नहीं इस इन कई फैमिलीज में होता है, नहीं नहीं इस जाति के लोग को नहीं नहीं अलाउड करते है ना, इस टाइप की जो भाव मन में भरे जाते हैं वो पैदा होते ही थोड़ी अपने आप सीख जाते हैं, उनको सिखाया जाता है फैमिलीज़ के द्वारा, कम्युनिटीज़ के द्वारा है ना, तब उनके मन में ये भाव आते हैं। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोगों को घृणा करनी सिखाई जाती है, एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वो घृणा करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो प्रेम करना भी सीख सकते हैं। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, क्योंकि प्रेम करना स्वाभाविक सीख जाते हैं, टू द ह्यूमन हर्ट, मानव का जो हृदय है वो प्रेम करना नेचुरली सीख जाता है, नेचुरली यानी स्वाभाविक रूप से सीख जाता है। देन इट्स ऑपोजिट, इट्स ऑपोजिट यानी हेट के मुकाबले है ना, हेट के मुकाबले मनुष्य जो होता है वो प्रेम करना बहुत ही इजीली सीख जाता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, और ग्रीमेस्ट, ग्रीमेस्ट यानी सेडेस्ट, कि जो सेडेस्ट टाइम था प्रिजन में, जेल में, जो जेल में जो सबसे दुख वाला समय था, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब मेरे साथी और हमें और मुझे पुश्ड टू आवर लिमिट्स यानी कि लिमिट से भी ज़्यादा ज़्यादा हमें हमारे ऊपर दमन किया गया, हमारे ऊपर क्रूरता की गई, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी। उस समय ग्लिमर कहते हैं झलक को, और ह्यूमैनिटी यानी मानवता, उस समय मुझे एक मानवता की झलक मिली थी इन वन ऑफ द गार्ड्स, हमारे जो भी गार्ड्स रक्षक रहते थे उनमें से एक रक्षक के अंदर मुझे हल्की सी मानवता की झलक दिखाई दी थी, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद वो एक सेकेंड के लिए ही, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी, लेकिन ये पर्याप्त था मेरे को आश्वस्त करने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे निरंतर जारी रखने के लिए है ना, जारी रखने के लिए, जो मुझे प्रेरणा देने के लिए पर्याप्त था। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम, और जो व्यक्ति की अच्छाई होती है वो एक आँच की तरह होती है, दैट कैन बी हिडन, वो छुप तो सकती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन वो बुझ नहीं सकती। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा लेसन। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, जीवन में हर व्यक्ति के पास दो ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशन कहते हैं ड्यूटीज़ को,
जीवन में हर व्यक्ति के पास दो ड्यूटीज होती हैं, टू इज फैमिली, एक तो उसकी फैमिली के प्रति, टू इज पेरेंट्स, टू इज वाइफ एंड चिल्ड्रन, जो कि उसके अपने पेरेंट्स के प्रति, वाइफ के प्रति और चिल्ड्रंस के प्रति, बच्चों के प्रति, है ना, होती है. एंड ही हैज़ एन ओब्लीगेशन टू हिज पीपल्स. और फिर उसका जो दूसरा ओब्लीगेशन होता है वो किसके प्रति होता है, दूसरी जो उसकी ड्यूटी होती है वो उसके लोगों के प्रति, कम्युनिटी यानी समुदाय के प्रति, एंड हिज कंट्री और उसके देश के प्रति होता है. इन अ सिविल, एक निवासी, एक नागरिक के रूप में, एंड ह्यूमेन और मानवता के रूप में सोसाइटी के प्रति. ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज. हर व्यक्ति योग्य होता है किसके, दोज टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन, कि अपने ये ड्यूटीज जो है वो पूरी कर सके अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन. इंक्लिनेशन अपने झुकाव और अपनी योग्यता के आधार पर वो इन ड्यूटीज को पूरा कर सके. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन एक ऐसे देश में जो कि साउथ अफ्रीका जैसा देश है, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑन माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ और दीज और दोज ऑब्लिगेशंस. लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में ये लगभग इम्पॉसिबल यानी असंभव है एक व्यक्ति के लिए. और माई बर्थ एंड कलर, और जिसका मेरी तरह, मतलब क्योंकि नेल्सन मंडेला भी ब्लैक कम्युनिटी के थे, है ना, ब्लैक थे, तो मेरे बर्थ, मेरे जन्म से और जिसका मेरे जैसा कलर हो, टू फुलफिल बोथ और दोज ऑब्लिगेशन, कि ऐसे मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये असंभव था ऐसे अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरी करना, है ना, ऐसे अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करना असंभव था. इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट to live as a human being was punished and isolated. South Africa में एक व्यक्ति जिसका मेरे जैसा कलर हो और वो who attempt यानी प्रयास करना, जो प्रयास करे to live as a human being, एक मानव की तरह रहने का, उसको punish किया जाता है and isolated और उसको अलग कर दिया जाता है. In South Africa a man who Try to fulfill his duty. और साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति जो अपनी कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश करता है, to his people, अपने लोगों के प्रति, was inevitably, वो अनिवार्य रूप से ripped from his family, अपने परिवार से अलग कर दिया जाता है, and his home, और अपने घर से अलग कर दिया जाता है, and was forced to live a life apart, और उसको अलग जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता है. अ ट्यूलाइट एग्जिस्टेंस, एक धुंधला अस्तित्व, ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, एक मतलब रहस्यमयी और एक विद्रोही के रूप में, है ना, उसके बारे में मतलब सीक्रेट रखा जाता है और उसको उसका धुंधला अस्तित्व हो जाता है और एक विद्रोही के रूप में उसका जीवन हो जाता है. आई डिड नॉट इन द बिगनिंग choose to place my people above my family. मैंने शुरू में ही मैंने अपनी duties में अपने लोगों को नहीं चुना. ऐसा नहीं कि मतलब मैंने अपनी family से ऊपर अपने लोगों को रखा शुरुआत में ही, ऐसा नहीं हुआ. But in attempting to serve my people, लेकिन अपने लोगों की सेवा करते समय, आई फाउंड, मैंने ये पाया, दैट आई वॉज प्रिवेंटेड, कि मुझे रोका गया फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, मुझे मेरी ड्यूटीज़ को पूरा करने से रोका गया. एज अ सन, एक बेटे के रूप में, अ ब्रदर, एक भाई के रूप में, अ फादर एंड ए हस्बैंड, एक पिता और एक पति के रूप में. आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री. मैं बोर्न माने पैदा होना और हंगर यानी भूख. मैं स्वतंत्रता की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था. आई वॉज बोर्न फ्री, मैं तो स्वतंत्र पैदा हुआ था, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, हर तरह से आज़ाद अपने आप को समझता था जितना कि मैं जान सकता था.
फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट. मैं फ्री था अपनी मदर की हट के पास के खेतों में दौड़ने के लिए. फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, और फ्री था जो पास में साफ झरना बहता था उसमें, जो साफ में नदी बहती थी छोटी सी, उसमें तैरने के लिए स्वतंत्र था. दैट रेन थ्रू माई विलेज, जो कि मेरे गांव से बहती थी. फ्री टू रोस्ट मील्स, और फ्री था किसके लिए, भुट्टे भूनने के लिए. फ्री था अंडर द स्टार्स एंड राइड फॉर द बोर्ड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और स्वतंत्र था किसके, स्टार्स के नीचे चलने के लिए. एंड और ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, जो बुल्स थे उनकी बैक पर बैठने बैठकर धीरे धीरे घूमने के लिए भी मैं स्वतंत्र था. एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, और जितना मैंने पालन किया. आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम, जितना मैंने पालन किया, और ओबेड माने पालन करना है ना, एंड अबाइडेड बाय द कस्टम, और जितना मतलब मुझे हमारे जो रीति रिवाज थे, कस्टम यानी प्रथा, जितना भी मुझे प्रथा के अनुरूप बताया गया था, ट्राइब यानी हमारी जो ये जाति थी उसमें जो भी प्रथाएं थी उनके अनुरूप मैं करता गया. आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई. बाय द लॉ ऑफ मैन और गुड्स, ना तो मुझे कानून के प्रति कोई परेशानी हुई और ना ही भगवान के प्रति. आई वॉज ओनली वैन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन. मैं तो सिर्फ तब मैंने तो सिर्फ तब ये जाना दैट माई बॉयहुड फ्रीडम, कि मेरे लड़कपन की फ्रीडम जो है वॉज एन इल्यूजन, वो सिर्फ एक भ्रम है. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, जब मैं बड़ा हुआ तब मैंने ये पाया कि मेरी जो फ्रीडम है, मेरी जो स्वतंत्रता है, had already been taken from me, वो तो मुझसे ले ली गई है पहले से ही. That I began to hunger for it, और फिर मुझे उस स्वतंत्रता की इच्छा जागी, मतलब स्वतंत्रता की भूख जगी. भूख जगी मतलब इच्छा जागृत हुई. At first as a student, सबसे पहले एक student के रूप में, I wanted freedom only for myself, मैं freedom सिर्फ अपने लिए चाहता था. The transitory यानी temporary, अस्थाई है ना, अस्थाई freedom of being able to stay out at night, मैं ये चाहता था कि रात को मुझे ठहरने की अनुमति, स्वतंत्रता मिले. रीड वॉट आई प्लीज्ड, और मैं वो पढ़ूँ जिसका जो मेरा मन करे. प्लीज्ड माने इच्छा हो मेरी, जिसमें मुझे खुशी हो. गो वेयर आई चूज, और मैं वहाँ जाऊँ जहाँ मेरी इच्छा हो. लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, एक फिर बाद में जोहान्सबर्ग के यंग मैन के रूप में आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माई कीप ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली. तब मैंने जोहान्सबर्ग के एक लड़के के रूप में मैंने यर्न यानी प्राप्त किया अ बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, एक बुनियादी और सम्मानपूर्ण स्वतंत्रता, और अचीविंग माई पोटेंशियल, और मेरी क्षमताएँ प्राप्त की किस चीज़ की, अर्निंग माई की है ना, अर्निंग अपने कमाई के लिए कहा गया है, अपनी कमाई करने लायक मैं हो गया. ऑफ मैरिंग, और फिर शादी की. हैविंग अ फैमिली, और मैंने फैमिली भी रखी, तो उतनी मेरे को स्वतंत्रताएं मिल गई. द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लवफुल लाइफ, और ये जो स्वतंत्रता थी, नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, ये कोई किसी प्रकार बाधा नहीं बनी. ऑब्स्ट्रक्टेड यानी बाधा बनना. इन अ लॉफुल लाइफ, कानूनी जीवन में ये किसी भी प्रकार की बाधा नहीं बनी. बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, लेकिन तब जब मैंने धीरे पूर्वक देखा दैट नॉट ओनली कि सिर्फ केवल वॉज आई नॉट फ्री,
मैं ही स्वतंत्र नहीं हूँ बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। बल्कि ऐसा नहीं है कि मैं ही सिर्फ स्वतंत्रतापूर्वक जीवन नहीं जी रहा हूँ, बल्कि मेरे जो भाई बहनें हैं वो भी फ्री नहीं हैं, वो भी स्वतंत्र नहीं है। आई सो दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम। मैंने ये देखा कि ये सिर्फ मात्र मेरी स्वतंत्रता नहीं, दैट वॉज कर्टेल्ड, जो कि कर्टेल्ड की गई है, यानी रिड्यूस की गई है, यानी कि कम कर दी गई है। बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन, लेकिन ये तो सब हर किसी की स्वतंत्रता है। हु लुकड लाइक आई डिड, जो कि मेरे तरह दिखता है, उन सब की ही स्वतंत्रता कम कर दी गई है। दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और इसी कारण फिर मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, और यही कारण है कि मेरी जो भूख थी, मेरी अपनी स्वतंत्रता की भूख बन गई बड़ी भूख, वो किसके लिए, फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए भूख बन गई, और वो स्वतंत्रता ऑफ माई पीपल, फ्रीडम फॉर ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की स्वतंत्रता की भूख बन गई। कि मतलब मैं ये चाहने लगा सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा पूरा देश स्वतंत्र होना चाहिए, हमारे सारे लोग स्वतंत्र होने चाहिए, है ना। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लिव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, और इट वॉज दिस डिज़ायर, ये सिर्फ एक अनुरोध था, एक इच्छा थी फॉर द फ्रीडम, ये सिर्फ एक फ्रीडम की, स्वतंत्रता की इच्छा थी मेरे लोगों के लिए, टू लिव देयर लिव्स, कि वो अपना जीवन जिए विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। डिग्निटी कहते हैं शान को, और सेल्फ रेस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान के साथ, वो अपना जीवन आत्मसम्मान और शान के साथ जिए। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने एनिमेटेड कहते हैं फुल ऑफ एनर्जी, और इसी कारण इसी विचार ने मेरे जीवन को एनर्जी से भर दिया। कि मतलब मैं ये चाहता था कि मेरे देश के लोग शान से और सेल्फ रेस्पेक्ट से अपना जीवन, है ना, आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जिए, और इस विचार ने मेरे जीवन को एनर्जी से भर दिया, ऊर्जावान कर दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटर्न्ड यंग मैन, और इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया एक फ्राइटर्न्ड यंग मैन, यानी एक डरे हुए व्यक्ति को, इनटू ए बोल्ड वन, एक साहसी व्यक्ति के रूप में ट्रांसफॉर्म कर दिया, मतलब बदल दिया। दैट ड्रॉ अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, और इसने एक लॉ का को मानने वाले वकील को, अटॉर्नी यानी वकील, वो नेल्सन मंडेला पहले एक वकील थे, लॉ का मानने वाले प्रतिनिधि यानी वकील से बदल कर टू बिकम अ क्रिमिनल, उस एक क्रिमिनल बना दिया, अपराधी बना दिया। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट होम, और इसने एक ऐसे व्यक्ति को जो कि अपनी फैमिली से प्रेम करता हो, ऐसे व्यक्ति को बदल कर एक ऐसा व्यक्ति बना दिया जो कि बिना घर के था। That forced a life-loving man to live like a monk. और इसने एक व्यक्ति को, life-loving man, जो कि अपने जीवन से प्यार करता था, उस व्यक्ति को like a monk, monk यानी सन्यासी, सन्यासी की तरह जीवन जीने पर मजबूर कर दिया। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man. मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि और अपना सेल्फ सेक्रीफाइसिंग कि अपना आत्म बलिदान इतना नहीं देने, इतना आत्म बलिदान वाला व्यक्ति नहीं हूँ जैसे कि और लोग थे। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट, मतलब मैं इतना भी ज़्यादा कोई बहुत अच्छा व्यक्ति और अपना आत्म बलिदान करने वाला अपने आप को नहीं मानता। बट आई फाउंड, लेकिन मैंने ये पाया, आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, लेकिन मैंने ये पाया कि मैं अभी तक एन्जॉय, आनंद नहीं उठा पा रहा हूँ द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, कम और लिमिटेड फ्रीडम्स जो हैं, सीमित जो स्वतंत्रताएं हैं, उनका भी आनंद हम नहीं उठा पा रहे हैं। आई वॉज अलाउड व्हेन आई नी माई पीपल वर नॉट फ्री,
मुझे आई वॉज अलाउड, मुझे अलाउड किया गया, जबकि मैं ये जानता था कि मेरे लोग, जब मैंने ये जाना कि मेरे खुद के लोग फ्री नहीं है, मतलब मेरे देश के लोग भी फ्री नहीं है। फ्रीडम इज इंडिविजिबल, जो स्वतंत्रता है वो एक अविभाज्य है। द चैंस ऑन एनी वन ऑफ बाई पीपल वर द चैंस ऑन ऑल ऑफ देम, जो बेड़ियाँ किसी के भी पड़ी हुई थी, हमारे लोगों में से किसी के भी पड़ी हुई थी, वो बेड़ियाँ हम सब की थी, उन सब की थी। द चेंस ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, वो जो बेड़ियाँ हम सब लोगों पे पड़ी थी, वर द चेन ऑन मी, वो मेरी चेंस थी, मतलब वो मेरी बेड़ियाँ थी, है ना। ऐसा नहीं था कि किसी एक की बेड़ी सिर्फ उसी की बेड़ी थी, ऐसा नहीं था। मेरी जो देश के लोगों की बेड़ियाँ थी, वो मेरी बेड़ियाँ मुझे लग रही थी। आई नी दैट द ऑप्रेशर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, मैं ये जानता था कि जो दमन करता होता है, दमन करने वाला होता है, मस्ट बी लिबरेटेड, वो उसको स्वतंत्रता मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, उसको भी उतनी ही स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जितनी कि दमन जिसका हो रहा है उसके पास होती है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैंस फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, एक व्यक्ति जो कि किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनता है, है ना, टेक्स अवे यानी छीन लेता है, जो इज ए प्रिजनर, वो भी उतना ही प्रिजनर होता है, उतना भी वो एक कैदी होता है, किसका, घृणा का, वो एक नफ़रत का कैदी होता है, मतलब वो नफ़रत का पात्र होता है। ओके, वो व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेता है, वो नफ़रत का पात्र होता है। प्रिजनर ऑफ हैट्रेड का मतलब यही होता है कि नफ़रत का पात्र। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ और परजुडिस एंड नैरो माइंडनेस, और उसको लॉक्ड बिहाइंड, उसको बंद कर दिया जाता है द बार्स ऑफ परजुडाइज। परजुडाइज माने क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। ओके, उसको स्ट्रॉन्ग डिसलाइक मतलब बहुत ज़्यादा लोग नापसंद करते हैं, एंड नैरो माइंडनेस, और संकीर्ण मानसिकता वाला समझते हैं। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, मैं सचमुच आज़ाद नहीं हूँ अगर मैंने किसी और की स्वतंत्रता का हनन किया है। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, और इसी तरीके से मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ अगर मेरे द्वारा किसी और की, अगर माय फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, अगर मेरी स्वतंत्रता मेरे से छीनी जा रही है तो मैं भी फ्री नहीं हूँ। द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेशर, मतलब इन्होंने ये कहा है कि जो ओप्रेशर, ओप्रेस्ड जिसका दमन किया जाता है वो, और जो ओप्रेसर और जिसका दमन, जो दमन करता है वो, ये समान रूप से आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी, ये दोनों ही समान रूप से अपनी मानवता को खो दे, मानवता को एक प्रकार से कहते हैं ना, इनकी मानवता लूट ली गई है। ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ओके, आई होप कि आपको लेसन समझ में आया होगा। ओके, काफ़ी लंबा चैप्टर था, शायद थोड़ा आपने बोरिंग भी फील किया होगा, बट अच्छा चैप्टर था। ओके,